तथा गोपाल मंजल के पुत्र पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। दो दिन पूर्व कदवा थाने में ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गया था आशीष। नवगछिया पुलिस जिले के गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल पर कदवा थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की गई। विधायक के पुत्र ग्रामीणों के समझौते के आधार पर दो पक्षों में मारपीट के केस को खत्म करने की मांग को लेकर सोमवार की रात 8 बजे कदवा थाने में धरने पर बैठ गए थे। कदवा थाना अध्यक्ष नसीम अंसारी के बयान पर कदवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें विधायक के पुत्र आशीष मंडल व उसके समर्थक कासिमपुर कदवा के नवीन सिंह, जंगली टोला के राजनीति मंडल, बेलसंडी के इरफान अली, कैलू नदाफ, बौना नदाफ, शमशेर नदाफ, कुदीस नदाफ, चायटोला खैरपुर कदवा के नीजो मंडल, वीरेंद्र मंडल सहित 15 अज्ञात को नामजद आरोपी बनाया गया। कदवा थानाध्यक्ष के अनुसार समझौते के आधार पर पुलिस केस समाप्त नहीं कर सकती, इसके लिए कोर्ट जाना होगा। 19 अप्रैल को कदवा थाने के बेलसंडी में रास्ते में पानी गिराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। शमशेर के भाई मोसिम नदाफ की शादी 21 अप्रैल को सीमापुर में हुई। उन लोगों का कहना था कि रास्ते पर पानी गिरा दिया है, बारात कैसे जाएगी। इसी वाद विवाद में दोनों पक्ष में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष से शमशेर नदाफ व दूसरे पक्ष से एक महिला घायल हो गई। आपका समस्या का समाधान कुछ से कुछ अपने अपने जलवे जाएंगे, जलवे जाएंगे, क्या दिक्कत है? देखा ना जी, फिर से ताना साहिब वाला बात कर रहा है। जेल में जाएंगे, बात पे आपको जेल देगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन की ताना साहिब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की ताना साहिब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता के, भारत माता के, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे सुनना नहीं ना, आशीष जी जरा सा आइए ना, आइए ना। तो हम इनके ही कबर पर गए, हथियार पड़े, जो खिलाए तो हम दरोगा होके खा भी लिए। वहाँ एक घंटा बैठ के मिलाद भी सुने कि चलो इबादत करने का तो कहीं मौका नहीं मिला, तो यही मेरा इबादत हो गया, नौकरी हो रहा इबादत तो ठीक है। उस दिन भी लोग आपस में झगड़ने लगे, बहुत हम समझा बुझा कि जिससे घर के मुसलमान है, आई रोड का स्थिति है, इतना नेता मंत्री सब लोग है, आप लोग रोड क्यों नहीं, हम ही को गलत साबित कर रहे हैं, तो ये लोग अपने आप को कहाँ से सुधर पाएंगे। सर आपने गलत साबित कर लिया ना। किसके नाम से आवेदन दिए थे? शमशेर नदाफ के नाम से आवेदन दे रहा है। देखिए पहले शमशेर नदाफ का केस हुआ है या उसके बाद कुलसुम खातून का केस हुआ है? शमशेर के सर मैं